नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। एक तरफ पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण का मतदान हो रहा है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी के एक मंत्री के बयान को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम का एक बयान विवादों में आ गया है। उन्होंने पाकिस्तानी अखबार डॉन से बातचीत में 24 परगना जिले के विधानसभा क्षेत्र गार्डन रीच को मिनी पाकिस्तान बता डाला। उन्होंने डॉन की रिपोर्टर से गार्डन रीच इलाके में रैली के दौरान कहा कि आप हमारे साथ आइए, हम आपको कोलकाता के मिनी पाकिस्तान में ले चलते हैं। हालांकि बयान पर विवाद होने के बाद सफाई में उन्होंने पीएम मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि वो 4 बार पाकिस्तान जा सकते हैं, तो किसी जगह को मिनी पाकिस्तान कहे जाने पर क्या फर्क पड़ता है। बीजेपी और सीपीएम की अगर इधर बात करें तो टीएमसी मंत्री के इस बयान पर निशाना साधा है। डॉन जो न्यूज़पेपर उसमें आज निकला है और रिपोर्टर जो है मेलिना हमीद सिद्दीकी, उन्होंने बॉबी हकीम जो फिराद हकीम जो मिनिस्टर हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके साथ दौरा कर रही थी, तो बॉबी हकीम ने कहा कि आइए मैं आपको मिनी पाकिस्तान घुमाता हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी गार्डन रीच के अंदर। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वही बॉबी हकीम है जो नारदा स्टिंग के अंदर पैसे लेते हुए पकड़े गए। ये वही बॉबी हकीम है जो कि जिसने विवेकानंद जो ब्रिज जब गिरा उसके वो मंत्री थे। ये वही बॉबी हकीम है जो कि ममता बनर्जी के नजदीकी और खास नेताओं में से माने जाते हैं। ये तो बहुत ही घिनौने और देश विरोधी बातें हैं, क्योंकि गार्डन रीच सालों से हमारा देश का जनवादी आंदोलन का केंद्र है। वहाँ गार्डन रीच डॉक एंड पोर्ट है, मगर वहाँ रिसेंटली वहाँ टीएमसी जो क्रिमिनल्स है वो क्रिमिनल्स को संगठित किया और क्रिमिनल को संगठित करके एक उसका क्रिमिनल लीडर वो पुलिस एएसआई को मर्डर किया था। पुलिस एएसआई जो मर्डर हुआ था पहले वो उसी जगह में अरे वो क्या उसको वहाँ वोट नहीं मिलेगा इसलिए, और क्या जब वोट उसको धीरे धीरे जब उसको जमीन खिसक रहा है। एक वहाँ जो गुंडे था बड़ा गुंडा जो पुलिस एएसआई का मर्डर किया था और उसके दबाव से वहाँ दादागिरी चलता था, अभी ज़्यादा से ज़्यादा जनता जब उसको खिलाफ चला गया तो आज उस डर लगा कि वहाँ उसको वोट नहीं मिलेगा। तो इस परिस्थिति में वहाँ इस तरह का आरोप लगाने के अलावा उसके सामने कोई रास्ता नहीं हो सकता। इस खबर पर हम और विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी सफी शमसी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सफी, पहले ही अगर देखें तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर राज्य में ममता बनर्जी की या उनकी पार्टी की स्थिति उतनी ठीक नहीं जितनी हम पहले देखते थे। इस तरह के बयान, इस तरह की चीजें क्या नहीं और मुसीबत बढ़ा देते? जी बिल्कुल, ये उन विवादित सारी चीजों में एक और चीज जुड़ गई है तृणमूल कांग्रेस के लिए जो वो करते आ रहे हैं। अपने राजनीतिक मुद्दे अलग हैं। अभी हमने पिछले हफ्ते ही देखा था कि एक मॉक पिक्चर दिखाई गई थी जिसमें राजनाथ सिंह के साथ प्रधानमंत्री मोदी के बजाय करात को दिखाया गया, और अब ये विवादित बयान जो इन्होंने दिया है इसमें दोनों संदर्भ में इन चीजों को देखा जा रहा है। एक इसको स्टेटमेंट को जो है अच्छे तरीके से नहीं देखा जा रहा है, बैड केस में देखा जा रहा है, और दूसरा ये कि उस इलाके में जो लोग वहाँ रहते हैं उनकी भारतीयता पर ये प्रश्न चिन्ह जो है ये भी स्थानीय लोग इस रूप में भी इसको देख रहे हैं। बिल्कुल सफी, और साथ ही साथ उनको हैरानी की बात तो ये है कि किसी तरह का कोई इल्म भी नहीं है, कह रहे हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।